प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो है। रोड शो के जरिए पीएम मोदी शक्ति प्रदर्शन करेंगे, जिसके लिए बीजेपी ने खास तैयारियां की हैं। 6 किलोमीटर लंबे रोड शो में 500 मोटरसाइकिल सवार भी शामिल होंगे और 12 जगह पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया जाएगा। वहीं पीएम मोदी कल वाराणसी सीट से नामांकन दाखिल करेंगे और उससे पहले आज शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। मेगा रोड शो होने वाला है, तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि 6 किलोमीटर लंबे रोड शो में 500 मोटरसाइकिल सवार भी शामिल होंगे और 12 जगह पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया जाएगा। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। काशी ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि बनारस के भक्तपन में ये एक बार फिर वाराणसी के रण में पीएम मोदी। पीएम मोदी के नामांकन की भव्य तैयारी। काशी में हैट्रिक लगाने की प्रचंड तैयारी। वो भव्य नजारा महादेव की नगरी में एक बार फिर नजर आएगा। पीएम मोदी का रोड शो होगा। सड़क के दोनों तरफ मोदी मोदी के नारों से गुंजायमान होगी महादेव की नगरी। 13 मई को कुछ ऐसा ही नजारा काशी में दिखने वाला है, जब पीएम मोदी नामांकन की पूर्व संध्या पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की सड़कों पर रोड शो करेंगे। खबरों के मुताबिक पीएम मोदी के रोड शो में बनारसी अंदाज दिखेगा, भव्य भारत की झलक दिखेगी। यानी हर बार की तरह इस बार भी काशी में प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन की जबरदस्त तैयारी है। वाराणसी संसदीय सीट पर नामांकन से पहले पीएम मोदी का कार्यक्रम क्या है, उसे जान लीजिए। नामांकन से पहले 13 मई को शाम 5 बजे पीएम का रोड शो होगा। फिर 14 मई को सुबह 10:15 पर काल भैरव मंदिर में पूजा करेंगे। पूजा के बाद 11:15 पीएम मोदी एनडीए नेताओं के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद 11:40 पर पीएम मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने के बाद 12:15 वो पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। वाराणसी में पीएम मोदी जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। इससे पहले वो साल 2014 और 2019 में यहां से प्रचंड जीत दर्ज कर चुके हैं। पिछले दो चुनावों के नतीजे बताते हैं कि मोदी को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। पीएम मोदी जब जब वाराणसी से चुनाव लड़े हैं, उन्हें प्रचंड जीत मिली है। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी 56.37% वोट के साथ 3,71,784 वोटों के अंतर के साथ जीत दर्ज की थी। फिर 2019 के चुनाव में 63.6% वोट के साथ उनकी जीत का अंतर 4,79,505 वोट हो गया था। मोदी जब जब काशी आए, उन्हें काशी से मान सम्मान और दुलार बेशुमार मिला और इसी का नतीजा रहा कि मोदी जब भी बनारस जाते हैं, उनकी बातों में मां गंगा और काशी वासियों के प्रति सम्मान और प्यार झलकता है। पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। काशी ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि बनारस के फक्कड़पन में ये फकीर भी रम गया।
गुजरात छोड़कर जब नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से लड़ने आए, तभी से उन्हें काशी ने अपना लिया था। पहली बार 2014 में उनके मुकाबले आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने चुनाव लड़ा था, उन्हें करारी शिकस्त मिली थी। दूसरी बार 2019 में उनके सामने अजय राय थे, जिन्हें बड़ी हार मिली। और इस बार उनके मुकाबले फिर से कांग्रेस के अजय राय और बीएसपी के अतहर जमाल लारी हैं। पीएम मोदी के नामांकन के लिए वाराणसी में बीजेपी ने तैयारी भव्य कर रखी है। इस बार भी बीजेपी और उसके कार्यकर्ता पीएम मोदी की प्रचंड जीत की उम्मीद कर रहे हैं।